दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आता है, इसका नाम है फैन प्लावन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण। इसमें हम फैन प्लावन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण करते हैं। बहुत सी दोस्तों विधियां हैं जिसके द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है, उनमें से एक है फैन प्लावन विधि। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फैन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क को जल से भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चीड़ का तेल होता है और पोटेशियम एथिल जेंटेथ मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। दोस्तों, एक टैंक होता है, उसमें सल्फाइड अयस्क को जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको डाला जाता है, फिर चीड़ एक पेड़ होता है उसका तेल होता है वो भी डाल दिया जाता है और पोटेशियम एथिल जेंटेथ मिलाया जाता है। दोस्तों, आगे इसकी प्रोसेस क्या होती है इसके हम डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा कोई टैंक है, ये हमारा एक पाइप है जिसके द्वारा यहाँ पर वायु आ जाती है यानी प्रवाहित की जाती है वायु। और यहाँ क्या दोस्तों, सल्फाइड अयस्क के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसमें डाल दिए जाएंगे और फिर चीड़ का तेल भी मिलाया जाएगा और जल भी डाला जाएगा यानी वाटर भी डाला जाएगा। फिर जैसे ही इसमें हम वायु प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि इसमें झाग बनना शुरू हो जाता है और झाग के साथ जो हमारे सल्फाइड अयस्क के जो अच्छे अच्छे कण हैं या जो अयस्क के टुकड़े हैं वो क्या है, इसमें झाग के ऊपर तैरने लगते हैं। शुद्ध अयस्क वो ऊपर झाग के रूप में तैरने लगता है और जो उस अयस्क में अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे तली पर बैठ जाती हैं। फिर क्या किया जाता है, फैन इस झाग को अयस्क की झाग को अलग कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है और हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसकी यही कार्यविधि है, यही वर्किंग मेथड है। दोस्तों, इसके बारे में आगे देख लेते हैं। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर फैन में एकत्रित हो जाते हैं, यानी जो अयस्क हैं सल्फाइड के वो झाग के रूम में ऊपर ही रहते हैं और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं टैंक की तली में, पैदी में, और अशुद्धियाँ जल से भीगकर टैंक के पैदी में बैठ जाती हैं तली पर। अशुद्धियाँ दोस्तों अलग हो जाती हैं, तली पर बैठ जाती हैं, जबकि अयस्क ऊपर तैरता रहता है। इसको हम उसको निकाल कर धूप में सुखा लेते हैं और हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस विधि के द्वारा बहुत ही आसानी से हम शुद्ध अयस्क प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।